जब मिलन मान रूप बदलने में माहिर बहरूपीय प्राणी की लाश को लेकर परिषद कार्यालय की तरफ निकल गया, तब शार्दुल भी अपने कोचवान और कारिंदों के साथ लाशों को हड्डियों वाली झील में डालने के काम पर लग गया। घायल शिजा को सहारा देकर वो उसे उस बड़ी चट्टान तक लाया जहां से झील साफ नजर आ रही थी। कारिंदों ने सबसे पहले लाकर जो लाश रखी वो दयाल की थी, जिसे देखकर शिजा और शार्दुल दोनों के ही मन में अलग अलग तरीके के भाव आने लगे। जहां शिजा उसे एक दयालु व्यक्ति के रूप में याद कर रही थी, वहीं शार्दुल को याद आ रहा था कि वो उसका कितना विश्वास पात्र और मुस्तैद कर्मचारी था। शार्दुल की नजरें अभी भी दयाल की लाश पर ही थी। दयाल की छाती में अभी भी वो बड़ा सा छेद था जो शार्दुल ने अपने हाथ से बनाया था, और उसके सीने पर अभी भी काफी सारा खून बिखरा हुआ था। खून की प्रबल गंध के कारण सांस रोकनी पड़ रही थी, और क्योंकि अब उसे मरे हुए कुछ घंटे हो चुके थे तो उसके शरीर ने प्राकृतिक रूप से गलना और सड़ना शुरू कर दिया था। इस वजह से लाश के पास खड़े होना दूभर हो गया था। अपनी नजरें उस मृत शरीर से हटाकर शार्दुल सामने झील की तरफ देखने लगा और उसने शिजा से कहा, दयाल एक बहुत ही सभ्य आदमी और लाजवाब खानसामा था, और मेरा विश्वास पात्र तो वो था ही। शाह हवेली के बाकी नौकरों या कर्मचारियों के उलट वो दिए गए सभी आदेशों को ध्यान से सुनता था और उन पर अमल भी करता था। मुझे कभी उसे कोई भी बात दो बार नहीं बतानी पड़ी, बल्कि कभी कभी तो वो बिना कहे ही समझ जाता था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके हुनर, ईमानदारी, वफादारी और विनम्रता के सभी कायल थे। उसकी अपेक्षा पहले आए बाकी खानसा में कभी शाह हवेली में 3 सप्ताह से ज्यादा समय तक नहीं टिक सके थे। तेज हवा के झोंके शार्दुल के काले बालों को हिला रहे थे। उसने अपने हाथ की उंगलियों को अपने बालों में फिराकर अपने बिखरे बालों को संभाला। तभी शिजा ने उससे पूछा, क्या वाकई आपका कोई भी खानसामा शाह हवेली में 3 हफ्ते से ज्यादा कभी नहीं रुक पाया? शार्दुल ने स्वीकारोक्ति के साथ कहा, वो लोग कभी ठीक से काम नहीं करते थे और ना ही निर्देशों को सुनने की जहमत उठाते थे। काम करने में अक्षम होने के कारण मैंने उन्हें मार डाला। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं है जो इस सोच के साथ काम पर आते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े और मुफ्त में सब कुछ मिलता रहे। शार्दुल शाह ने शिजा को बताया कि वो दयाल को अपनी शाह हवेली में तब लाया था जब दयाल पर परिषद की अदालत में एक मुकदमा चल रहा था। उस पर हत्या का आरोप लगाया गया था। सच्चाई ये थी कि उसके माँ बाप नहीं रहे थे और वो और उसकी बहन अपने चाचा के साथ रहते थे। एक दिन उसके चाचा की नीयत उसकी बहन पर खराब हो गई और अपनी बहन को चाचा से बचाते हुए दयाल के हाथों अपने चाचा का खून हो गया था। परिषद ने उसे सजाए मौत दी थी, लेकिन जब शार्दुल को उसकी कहानी पता लगी तो उसने गवाह और साक्ष्य जुटाकर उसे छुड़वा लिया था। उसकी जान बच गई थी, लेकिन जिस गांव में वो रहता था वहां के लोग उसे काम देने के लिए या उसके साथ रहने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कत्ल तो था। शार्दुल उसे शाह हवेली में ले आया था और उसे खानसामे के काम पर लगा दिया था। शिजा ने उससे सवाल किया, तो क्या आप उसकी बहन को अपने भाई की मौत का शोक मनाने का मौका भी नहीं देंगे? क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि अपनी आबरू बचाने वाले अपने बड़े भाई को आखिरी बार देख सके? हवा की रफ्तार और तेज हो गई थी और साथ ही उसमें ठंडक भी भर गई थी। शार्दुल ने शिजा की बात सुनी जरूर थी, लेकिन उसका एकदम से जवाब नहीं दिया। लहरों के शोर और घने जंगल में तेज हवा चलने के कारण बज रही सीटी की आवाज के बीच वो बोला, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई मर्तबा ऐसा समय आता है या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो आपको करना चाहिए या जो ठीक है। तुम्हारा कहना ठीक है कि परिवार का भी हक होता है, और नैतिक रूप से देखा जाए तो ये ठीक नहीं होगा कि उसकी बहन को सूचना ना दी जाए,
लेकिन क्या एक बहन के लिए अपने भाई के शव को इस हालत में देखना ठीक होगा? अगर उसकी बहन ने शोर किया या हंगामा कर दिया और ये बात फैला दी तो दो ही चीजें होंगी। पहली ये कि हवा की रफ्तार से ये बात चारों तरफ फैल जाएगी और फिर हवेली में से किसी एक व्यक्ति पर इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया जाएगा और फिर एक बेगुनाह कर्मचारी या परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। लेकिन इस वक्त ये बातें इतनी संवेदनशील हैं कि इन्हें आम जनता तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इस वक्त ये बहुरूपी प्राणियों वाली बात राज ही रहे तो अच्छा है। जब तक इस बारे में पूरी खोज भी नहीं हो जाती, कम से कम तब तक आम जनता तक आधी अधूरी जानकारी पहुंचकर उन्हें डराने या भ्रमित करने में किसी का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। और हाँ, दूसरी बात यह हो सकती है कि क्योंकि हम एक शुद्ध खून वाले पिशाचों का परिवार है, इसलिए हमारे बारे में जितने मुंह उतनी बातें, लोगों की हमारे बारे में बहुत अलग अलग और विचित्र धारणाएं हैं। भले ही कोई आम पिशाच हो या मिश्रित रक्त वाला पिशाच या फिर पूरी तरह से शुद्ध खून वाला प्रसाद पिशाच, जो हुआ था और जो मैंने देखा उस पर आम जनता में से कोई भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करेगा और हर कोई इसमें अपनी कल्पना की बातें मिलाकर इसे आगे पहुंचाएगा। ये दोनों ही बातें गलत होंगी। शीजा ने बहुत ध्यान से सारी बातें बोली। शार्दुल साहब, न जाने क्यों लेकिन मुझे यकीन है कि दयाल की बहन अपने भाई की लाश को देखकर कुछ नहीं कहेगी बल्कि चुप रहेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मेरे पास कोई ऐसा परिवार का सदस्य होता जिसे मैं प्यार करती या जो मेरी परवाह करता, जैसे भाई या परिवार का कोई सदस्य, तो मैं जानना चाहती कि आखिर उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था। सच्चाई चाहे कितनी भी भयानक या कड़वी क्यों ना हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ घुमाई हुई बातों को जानकर गलत धारणा मन में पालने से अच्छा होगा सच्चाई का सामना करके उसे जान लेना। शार्दुल समझ गया था कि शीजा उसे क्या समझाना चाह रही थी, लेकिन वो सोच रहा था कि प्रबल संभावना इस बात की थी कि दयाल की बहन जब अपने भाई की लाश को देखेगी तो वो ये सोचेगी कि गुस्सैल मालिक शार्दुल शाह साहब ने बिना कारण के ही उसके भाई को मार डाला था, क्योंकि किसी अपने की मौत को कोई भी साधारण रूप से नहीं ले सकता। ऐसे में लोगों को गुस्सा भी आता है और उनकी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं और कई बार वो आक्रामक भी हो जाते हैं, और ये सब गुस्से और दुख के झंझावात से जूझ रहे व्यक्ति के लिए बहुत सामान्य सी प्रतिक्रिया है। शीजा ने उसे आगे समझाते हुए कहा, अगर आपको ये लग रहा है कि दयाल की बहन आपके बारे में कुछ गलत सोचेगी तो आप इस बात को समझिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने उसके भाई को मौत के मुंह से बचाया था, तो आप भला उसकी जान क्यों लेंगे? अब आप उसे क्यों मारेंगे? शार्दुल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन कौन जाने लोग ये समझेंगे भी या नहीं। शायद मैंने उसे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मार दिया। शार्दुल ने निराशा में अपने मुंह से ठंडी सांस छोड़ी जो बाहर की ठंडक के कारण सफेद धुएं के रूप में उसके मुंह से बाहर निकली। शीजा के चेहरे के भाव बदल गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शार्दुल के दिमाग पर कोई बोझ था और वो परेशान था। उसने शार्दुल से कहा, मालिक, क्या आप इतने बेरहम हैं कि आप एक बहन को उसके भाई का चेहरा आखिरी बार देखने से रोक लेंगे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आप पर शक करेगी और आरोप लगाएगी कि आपने उसके भाई को मारा। शीजा आगे कुछ कहती उससे पहले ही शार्दुल ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, यही कि मैंने उसके भाई को अपने इन्हीं हाथों से मार डाला। ये रात और झील के आसपास का इलाका जितना ठंडा था उससे भी ज्यादा ठंडी शार्दुल शाह की आवाज थी। ये बात तो शीजा जानती थी कि शार्दुल ने दयाल को खुद ही मारा था। उसने शार्दुल की बात को सुनना जारी रखा। शार्दुल ने आगे कहा, शीजा, कुछ मौतों को देखना और सहना बहुत आसान होता है। एक टहनी को तोड़कर फेंक देना जितना आसान है, वैसा ही कुछ लाशों को देखना होता है।
लेकिन वहीं कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर हलचल मचा देती हैं और आपके आसपास की हर शह को कुछ देर के लिए रोक देती हैं। आपके जहन पर उनका गहरा असर होता है और सच कहूं तो ये सारा का सारा खेल भावनाओं का होता है। शार्दुल की बात सुनकर शीजा ये तो जान चुकी थी कि भले ही शार्दुल ने अपने हाथों से दयाल को मारा था, लेकिन ऐसा उसने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया था। भले ही उसने अभी खुद कहा था कि उसने पिछले कुछ खानसामों को मार डाला था, लेकिन दयाल की मौत के पीछे शार्दुल ने जो कहा वही कारण सच था। अब तो शीजा भी जान चुकी थी कि किसी भी पिशाच का अगर दिल भ्रष्ट हो जाए तो वो पागल हो जाता था और उसके बाद मौत का जीता जागता सौदागर बन जाता था और अपने सामने आने वाली हर चीज और प्राणी को नष्ट करने पर तुल जाता था। और यही दयाल के साथ भी हुआ था। शार्दुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब आप किसी भ्रष्ट पिशाच को मारते हैं तो कुछ पिशाच तो उसी उन्माद और पागलपन की अवस्था में मर जाते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां मृत्यु से कुछ देर पहले व्यक्ति अपने होशो हवास में आ जाता है, यानी अपने मूल रूप में। सामान्य अवस्था में आकर मौत से पहले के कुछ क्षणों में वो व्यक्ति सब कुछ महसूस करता है, देखता है और समझता है, यानी उन कुछ लम्हों में वो पागल नहीं होता। दयाल के मामले में भी ऐसा ही हुआ। वो दयाल जो मेरे एक आदेश पर अपनी जान दे सकता था और जिसने कभी मेरी कोई बात नहीं डाली, वही दयाल अपने अंतिम क्षणों में मेरी बाहों में था, शायद ये देखने के लिए कि उसके अपने शार्दुल शाह साहब ने उसकी जान ले ली थी। शार्दुल की बात सुनते ही शीजा का जैसे दिल टूट गया। अचानक उसे अपने दिल पर बहुत वजन महसूस हुआ और अब वो समझ सकती थी कि इतनी देर से शार्दुल पर क्या बीत रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो भले ही सिर्फ अपना विश्वास पात्र नौकर कहता था, लेकिन मन ही मन शायद वो उसे काफी पसंद करता था और अपने परिवार की तरह ही उसे मानता था। आज उस व्यक्ति को विनाश से रोकने के लिए शार्दुल को उसकी जान लेनी पड़ी थी और किसी अपने को मार डालने का दुख या किसी अपने को अपनी बाहों में दम तोड़ते देखने का दुख हर वो शख्स समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। शार्दुल ने अपनी बात आगे जारी रखी, किसी भ्रष्ट दिल वाले पिशाच का अंतिम समय में एक बार कुछ पलों के लिए ठीक हो जाना अक्सर नहीं होता है। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और अगर ऐसा होता भी है तो हम पार्षदों को ज्यादातर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिरकार भ्रष्ट दिल वाले वो लोग होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं। अगर आपकी जान पहचान के किसी व्यक्ति का दिल भी भ्रष्ट हो गया है तो एक बार संक्रमण के फैलने के बाद व्यक्ति कोई और ही बन जाता है, वो आपका अपना नहीं रह जाता। हम परिषद के लिए काम करते हैं और हम सभी पार्षदों के कामों में से एक महत्वपूर्ण काम है पिशाच समुदाय में संक्रमण और दिल के भ्रष्टाचार को फैलने से रोकना, और इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए बाध्य हैं। ज्यादातर हमें भ्रष्ट पिशाच को समाप्त करना होता है, यही निर्देश हम सभी को दिए गए हैं। ये सब कुछ जानते समझते हुए भी मैं दयाल के अंतिम समय में उसकी आंखों में मेरे लिए जो भाव थे उन्हें भुला नहीं पा रहा हूं। वो मेरे चेहरे को देख रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर रहा है। उसकी आंखों में मुझसे सवाल था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस भ्रष्टाचार के कारण उसका दिल संक्रमित हो गया था और उसने क्या कुछ किया था। एक शुद्ध खून वाला शक्तिशाली पिशाच होने के नाते जितना मैं खून का आनंद लेता हूं या लोगों को उनकी गलती पर मारना या उनका सिर फाड़ डालना पसंद करता हूं, उस सब के होते हुए मैं खुद तुमसे कह रहा हूं कि दयाल को उस हालत में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यह मुश्किल था, बहुत मुश्किल। शीजा ने देखा कि शार्दुल की आंखें जमीन पर टिकी थीं और वो वाकई गंभीर था। हर शब्द जो वो कह रहा था वो उसके दिल से निकल रहा था। शीजा फिक्रमंद हो गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि क्या शार्दुल के लिए दयाल के आखिरी पलों के भावों को भुला पाना आसान होगा? क्या वो उसके चेहरे के भाव
उसकी आंखों की कातरता और सवालों को कभी भुलाकर सामान्य हो पाएगा? क्योंकि जहां तक शिजा का अनुभव था या जहां तक उसने सुना था, ऐसी चीजें आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती और ये बोझ कई बार बहुत लंबे समय तक आपको उठाना पड़ता है। क्या शार्दुल दयाल की बहन को उसकी मौत की खबर देगा?